मोदी समर्थक ने तिरंगा डीपी नहीं लगाने वालों के खिलाफ जताई आपत्ति। वरिष्ठ पत्रकार ने बोलती बंद कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोगों से अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो बदलने की अपील की थी। सोशल अकाउंट की डीपी बदलकर तिरंगा वाली डीपी लगाने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को अपने अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बदल बदल कर इसकी शुरुआत की थी। पहले तो कई लोगों ने मोदी की प्रोफाइल पिक को लेकर सवाल खड़ा किया था। दरअसल फेसबुक पर वर्गाकार में दिख रही है, जबकि तिरंगे का आकार आयताकार होता है। तिरंगे के आकार का अनुपात 3:2 है। पीएम मोदी की इस अपील का असर भी देखने को मिला है। बीजेपी के अधिकतर नेताओं ने अपनी डीपी पर तिरंगा की तस्वीर लगा दी है। इस सब के बीच देश के कुछ जाने माने पत्रकारों ने भी अपनी प्रोफाइल पिक पर तिरंगे का फोटो नहीं लगाया, जिसे लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस पर अपनी सफाई दी है। दरअसल मोदी भरोसा नाम के ट्विटर हैंडल से वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम, विनोद कापड़ी, निधि राजदान, राणा अयूब, रोहिणी सिंह, राजदीप सरदेसाई जैसे दिग्गज पत्रकारों की ट्विटर प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट किया और लिखा, स्यूडो नेशनल ब्रिगेड के सामान्य झुंड ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए अपनी नफरत को हवा दी है। देश के प्रति उनके प्रेम को प्रबल करें। अगर आपको भारत के खिलाफ शेखी बघारने से समय मिल गया हो तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने के बारे में भी सोचें। भाजपा समर्थक की इस आपत्ति पर पत्रकार और जनता ने भी अपना पक्ष रखा। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने आरएसएस से जुड़े कुछ प्रमुख चेहरों के ट्विटर हैंडल्स की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और ट्वीट करके लिखा, इन सबको तो पहचानते होगे ना, आपके ही आका और काका लोग हैं। अभी तो डीपी में तिरंगा नहीं लगाया है, हमने तो जब से होश संभाला है तब से तिरंगा लहराते और फहराते रहे हैं। आपके आका लोगों का तिरंगा से क्या रिश्ता रहा है, पढ़ लीजिए जरा। मोहम्मद हलीम नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, हर घर तिरंगा के बाद हर शाखा तिरंगा अभियान चलना चाहिए, क्या आरएसएस इस चैलेंज को स्वीकार करेगा। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी आरएसएस से जुड़े कुछ प्रमुख चेहरों के ट्विटर हैंडल्स की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर करके पूछा, माफी चाहता हूँ, क्या कहा आपने। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करके लिखा, संघ वालों अब तो तिरंगे को अपना लो। पत्रकार प्रशांत टंडन ने ट्वीट करके लिखा, आजादी के बाद 52 साल लगे थे आरएसएस को अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में, ट्विटर की डीपी बदलने में 1 दशक तो लगेगा। तिरंगे को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी इस बहस को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।